सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी गई है। वह आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक घर जाकर अपनी बीमार पत्नी और परिवार से मुलाकात कर सकेंगे। इसके बाद उन्हें दोबारा से जेल लौटना होगा, क्योंकि उन्हें अभी तक किसी भी तरह की कोई जमानत नहीं मिली है। सिसोदिया की जमानत अर्जी पर विचार करने के लिए कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी का मेडिकल रिकॉर्ड दाखिल करे। कोर्ट के आदेश के मुताबिक वह पुलिस हिरासत में रहते हुए अपने घर पर रहेंगे और अपनी पत्नी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिल सकते। साथ ही उन्हें इंटरनेट इस्तेमाल करने या फिर मीडिया से बात करने की भी अनुमति नहीं दी गई है। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के बाद 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद से वह CBI और ED की कस्टडी में ही हैं। वह जमानत के लिए कई बार अर्जी भी दे चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है।